हेलो बीजीएमआई एंड पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, जगकास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज बीजीएमआई और पबजी मोबाइल के अंदर अभी हमारी यहाँ पे चल रही है C1S3 सीजन। तो गाइज अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि बहुत बार हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ पे साइकिल 1 है, तो अब नेक्स्ट हम लोगों की साइकिल 2 आएगी और उसके अंदर सीजन 1 आएगी, तो हम लोग C2S1 ऐसे करके बोलने वाले थे नेक्स्ट सीजन को। बट गाइज अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अब हम लोगों की यहाँ पे M6 की रॉयल पास जैसे ही ख़त्म होगी और नेक्स्ट अपडेट आएगा, तो उसी के साथ जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगी ना, वो कुछ इस तरीके से रहेगी C2S4। मतलब हमारी यहाँ पे साइकिल 1 चल रही थी, उसके अंदर C1 की 3 सीजन थी, S1, S2, S3। बट अब यहाँ पे साइकिल 2 स्टार्ट होगी, जो कि C2 रहेगा आगे का, और पीछे हमारी S3 के बाद S4 होगा। मतलब कि जो नेक्स्ट सीजन आने वाली है, इन शॉर्ट, वो आप लोगों को C2S4 करके यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है? और गाइज यहाँ पे उसी के अंदर टायर रिवॉर्ड यहाँ पे कौन कौन से आने वाले हैं, और नेक्स्ट हम लोगों की यहाँ पे जो रॉयल पास आएगी M7 और M8 की मंथली रॉयल पास, तो उसमें आप लोगों को कौन कौन से रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और गाइस इसकी लिंक्स हम लोगों को लकी मैन के थ्रू मिली है, तो उनकी वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उनके वीडियो को जाके चेकआउट ज़रूर से करना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप लोगों को यहाँ पे एक लॉबी थीम देखने को मिल रही है, तो ये लॉबी आप लोगों को यहाँ पे 1.8 के अपडेट में देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट अपडेट हमारा कुछ ग्रेफिटी से रिलेटेड होने वाला है, जो कि पूरी कलरफुल आप लोगों को इस तरीके से लॉबी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टायर रिवॉर्ड्स की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे निकल के आ रही है C2S4 कॉन्क्रीट फ्रेम, जो कि आप लोग अच्छे से देख सकते हो। आप लोगों को नेक्स्ट सीजन में ये वाली कॉन्क्रीट की फ्रेम देखने को मिलेगी। उसी के साथ एस के अंदर अवतार देखने को मिलता है एस डोमिनेटर में, तो यहाँ पे आप लोग देखो C2S4 का इस तरीके से अवतार देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे सेम है। उसके बाद गाइज हम लोगों की डायमंड के अंदर यहाँ पे गन स्किन मिलती है, तो अभी के लिए इसकी स्किन तो रिवील नहीं हुई, बट यहाँ पे हम लोगों को गन का नाम पता चल गया है कि C2S4 आप लोगों को MK14 गन स्किन आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो नेक्स्ट बार आप लोग यहाँ पे डायमंड में आओगे, तो आप लोगों को यहाँ पे MK14 की स्किन मिल जाएगी। उसके बाद गाइज हम लोगों की जो M7 की रॉयल पास आएगी, उसकी यहाँ पे लोगो निकल के आ रहा है, जो कि आप लोग देखो ये वाला हमारा नॉर्मल है RP अपग्रेड कार्ड M7, और उसके बाद यहाँ पे एलाइट वाला भी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एलाइट RP अपग्रेड कार्ड M7। उसके बाद 8 की बात करें, तो यहाँ पे RP अपग्रेड कार्ड M8 भी है, और उसके नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एलाइट RP अपग्रेड कार M8 भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज नेक्स्ट आप लोगों को 2 प्रीमियम क्रिएट देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट वाला प्रीमियम क्रिएट में आप लोगों को यहाँ पे विंटेड पॉइंट करके ये वाला आउटफिट देखने को मिलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट हमारा जो प्रीमियम क्रिएट आएगा उसके अंदर आपको एक आउटफिट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे ड्रीम रेंचर अवतार होगा। तो ये दोनों तरीके के आप लोगों को प्रीमियम क्रिएट देखने को मिलेंगे। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे फ्रेम्स निकल के आ रही है, जो फ्रेम आप लोगों को यहाँ पे स्पाइडरमैन के कोलाब्रेशन में देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाली है, उसके बाद सेकेंड वाली आप लोग यहाँ पे देखो पूरी यहाँ पे स्पाइडर वाली बनी है, थर्ड एक और स्पाइडर वाली फ्रेम है, तो यहाँ पे ये 3 फ्रेम है। और भी आप लोगों को यहाँ पे कुछ मेजर ग्रूम करके एक अवतार देखने को मिलने वाला है, और उसकी फ्रेम भी यहाँ पे है, और भी बाकी आपको नॉर्मल फ्रेम यहाँ पे 1x1 करके स्किन के ऊपर देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर कोई कोई आप लोगों को इवेंट के थ्रू मिलेगी, और कोई कोई आप लोगों को यहाँ पे परचेज करनी पड़ेगी, जैसे कोई क्रिएट या कोई स्पिन आएगी उसके अंदर से। उसके बाद नेक्स्ट गाइज हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आपको 2 अपग्रेडेबल गन स्किन देखने को मिलने वाली है, जो कि नेक्स्ट 1.8 के अपडेट में देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी AKM है, उसकी आपको अपग्रेडेबल स्किन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग AKM का किल मैसेज भी देख सकते हो, और जो सेकेंड गन हमारी होगी वो हम लोगों की AWM होगी, तो AWM का भी गाइज आप लोग यहाँ पे किल मैसेज देख सकते हो। 2 गन आपको अपग्रेड वाली देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको एक न्यू कंपेनियन देखने को मिलने वाला है, ठीक है? 1.8 के अपडेट में आपको कैथी करके एक न्यू कंपेनियन देखने वाला है, तो ये आप लोग अभी देख सकते हो पूरा ग्रीन कलर का। तो अभी के लिए तो ये सिर्फ अवतार निकल के आ रहा है, बट इसकी इमोट विमोट जितना कुछ आगे जाके लिंक्स में मिलेगा, तो मैं वीडियो ज़रूर से बना दूंगी। उसके बाद गाइज नेक्स्ट रिवॉर्ड की बात करें, तो यहाँ पे इमोट्स निकल के आ रहे हैं, जो कि आप लोगों को M7 और M8 में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पे यहाँ पे शो ऑफ करके इमोट है, जिसका नाम देखो। सेकेंड यहाँ पे आर्किरिक डांस करके आपको इमोट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इमोट की हम बात करें, तो डिसलाइक का इमोट है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो
नेक्स्ट आपको स्टॉम ग्राउंड करके एक इमोट देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और इमोट है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राइजिंग स्टार करके है, जो कि यहाँ पे मैथिक इमोट है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट आइडल करके इमोट है, और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे शो टाइम करके भी एक इमोट देखने को मिलेगा, और उसके बाद एक डिस्को पार्टी करके इमोट है। नेक्स्ट भी यहाँ पे चाइनीज में इमोट लिखे हुए हैं जो कि आप लोग अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी ग्रेफिटी निकल के आ रही है जो कि मेजर ग्रूम, दिल दिल पाकिस्तान, यहाँ पे और भी सारी ग्रेफिटी है जो कि वन बाय वन करके आप लोग देख सकते हो। सॉरी, ये ग्रेफिटी नहीं, ये पॉपुलैरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पांच टाइप के आपको वॉइस पैक देखने को मिलेंगे, जिसमें देखो फर्स्ट पे यहाँ पे एम के वॉइस पैक है। उसके बाद सेकंड पे आप लोग देखोगे तो पेविटा वॉइस पैक है। तो ये दोनों वॉइस पैक आपको ग्लोबल में देखने को मिलेंगे, और हम लोगों की BGMI के अंदर भी तीन वॉइस पैक आएंगे, जिसमें फर्स्ट आपको जोनाथन वॉइस पैक देखने को मिलेगा, उसके बाद सेकंड आपको स्नैक्स का वॉइस पैक देखने को मिलेगा, और थर्ड आप लोगों को यहाँ पे कैस्ट्रो का वॉइस पैक भी देखने को मिल जाएगा जो कि मलयालम में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे टायर रिवॉर्ड वापस आ जाते हैं। तो फर्स्ट पे आपको यहाँ पे C2S4S नेम टैग देखने को मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे S मास्टर नेम टैग, S डोमिनेटर नेम टैग, और यहाँ पे कॉन्करर नेम टैग देखने को मिल जाएगी, और ये सारे यहाँ पे अलग अलग टायर के आइकन है। उसके बाद गाइज, आप सब जानते हो कि लॉबी के अंदर हम लोगों का यहाँ पे एक मैसेंजर टाइप का, एक रोबोट टाइप का घूमता रहता है। तो अब पबजी वाला इसकी भी स्किन देने वाला है, आप लोग मानोगे नहीं, इसकी भी आप लोगों को यहाँ पे स्किन देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखो, स्पाइडरमैन टाइप की आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे लूटने का तो कोई चांसेस छोड़ ही नहीं रहे, जहाँ से लूटना चाहते हो वहाँ से ये लोग लूट के ही रहेंगे हम लोगों को। तो इसकी भी अब आप लोगों को स्किन देखने को मिलेगी। तो गाइज़, यही सारे रिवॉर्ड थे जो कि मुझे आप लोगों को इस वीडियो में बताने थे। चलेगा, इस वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।